फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट्स के हम तीन पार्ट अपलोड कर चुके हैं और जिसके अंदर अभी तक आप 24 रिएजेंट्स के बारे में जान चुके हैं। आपको हमने बताया था ऑर्गेनिक तैयार करने का इससे इजीएस्ट मेथड आपके पास और कोई नहीं हो सकता। तो आइए उसी सीरीज के अंदर अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे और आज सीखते हैं कुछ और रिएजेंट और उनके बेसिस पे होने वाले कुछ कन्वर्जेंस, उनको सीखने की कोशिश करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन सभी वीडियो सीरीज की अपने नोट्स बनाते जाएंगे और हर कन्वर्जन की प्रैक्टिस बड़े ध्यान से करते जाएंगे। आइए चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज का रिएजेंट पोटेशियम साइनाइड। अगर एक तरीके से कहा जाए तो ऑर्गेनिक के कन्वर्जन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला रिएजेंट है पोटेशियम साइनाइड। इससे हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उससे और कई ज्यादा प्रोडक्ट को बनाया जा सकता है। आइए सीखते हैं। पोटेशियम साइनाइड का फंक्शन है, कहीं भी अगर आपके पास हैलोजन प्रेजेंट है, हैलोजन की जगह साइनाइड अटैच करना, ये पोटेशियम साइनाइड का फंक्शन रहेगा। कहीं भी अगर हैलोजन होगा उसकी जगह साइनाइड, फॉर एग्जांपल आपके पास CH3Cl है और आपने पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करवाई है, KCl यहां से बाहर चला जाएगा क्योंकि कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो इस तरह से यहां पर आपके पास साइनाइड बनेगा। यहां पर एक बात और गौर करने की है, रिएक्टेंट में था एक कार्बन और यहां है हमारे पास दो कार्बन, तो किसी भी कन्वर्जन के दौरान अगर आपको कार्बन का नंबर 1 यूनिट इंक्रीज करना है तो आप इस बात में जरूर सोच लीजिएगा कि कहीं ना कहीं साइनाइड की जरूरत पड़ सकती है, कहीं ना कहीं साइनाइड का इस्तेमाल हो सकता है। तो इस तरीके से साइनाइड यहां पर हम बना पाएंगे। अब इसी साइनाइड पे कुछ और चीजें याद रखनी है। डाइल्यूट HCl, अगर आपके पास साइनाइड है, डाइल्यूट HCl का फंक्शन होगा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस और साइनाइड विल बी रिप्लेस्ड बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। ये याद रखिएगा, कहीं भी अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लाना है तो आप साइनाइड को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर सकते हैं और रिएक्शन को हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का नाम देंगे। वहीं पर नेक्स्ट है आपके पास कंसंट्रेटेड HCl। कंसंट्रेटेड HCl में वाटर कम होता है तो इसे पार्शियल हाइड्रोलिसिस कहा जाएगा और पार्शियल हाइड्रोलिसिस में याद रखेंगे साइनाइड कन्वर्ट होगा अमाइड के अंदर, अमाइड यहां पर फॉर्म होगा। तो अगर आपको अमाइड बनाना है तो कंसंट्रेटेड HCl और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है डाइल्यूट HCl। और एक और साथ के साथ याद करना है सोडियम इन इथेनॉल। साइनाइड पे जब आप सोडियम इन इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम NEETOH भी लिख सकते हैं, तो इसका फंक्शन है साइनाइड को CH2NH2 के अंदर कन्वर्ट करना, ये इस रिएजेंट का फंक्शन रहेगा। तो अभी हमने टोटल चार रिएजेंट्स के बारे में बात की। साइनाइड किस तरह से आएगा, साइनाइड आएगा तो कार्बन का नंबर पे क्या फर्क पड़ेगा, एक यूनिट बढ़ेगा, और साइनाइड किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइड और अमीन के अंदर कन्वर्ट होगा। तो कभी भी अगर आपको एक नंबर कार्बन बढ़ाना है साइनाइड का इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहते हैं CH3Cl इससे बनाना है CH3COH, क्लोरोमीथेन इथेनोइक एसिड एक कार्बन का नंबर ज्यादा है और अगर एक कार्बन बढ़ाना है तो क्या करेंगे, पहले आप पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करेंगे, फंक्शन है हैलोजन की जगह पे साइनाइड, हैलोजन हटेगा और उसकी जगह पे साइनाइड, साइनाइड को COH में बदलने के लिए डाइल्यूट HCl और इस तरीके से आपका ये कन्वर्जन हो जाएगा और आप अपना प्रोडक्ट यहां पे बना सकते हैं। ऐसे ही अगर आपसे कहते हैं मिथेनॉल आपके पास है और आपको बनाना है इथेनोइक एसिड, आप देख पाएंगे
रिएक्टेंट में एक कार्बन, प्रोडक्ट में दो कार्बन। अगर कार्बन का नंबर एक यूनिट बढ़ा है तो कहीं ना कहीं साइनाइड जरूर आएगा, और साइनाइड हैलोजन की जगह पे आता है। आप किसी तरह से अल्कोहल को हैलोजन में कन्वर्ट कर लें, ये आपको प्रीवियस रिएजेंट्स में सिखाया हुआ है कि थायोनिल क्लोराइड अल्कोहल की जगह हैलोजन आएगा, और हैलोजन की जगह आप साइनाइड KCN की हेल्प से लेके आ सकते हैं, साइनाइड आएगा, और साइनाइड की जगह COH यहां डाइल्यूट HCl से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से इन्हीं दो एग्जांपल से सारी बात समझ जाएं कि आप एक यूनिट कार्बन बढ़ाना है, साइनाइड का किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे वहां पे प्रोडक्ट बनाया जाएगा। मेंडियस रिडक्शन पे आपसे शॉर्ट नोट पूछा जाता है, तो मेंडियस रिडक्शन आपके पास सोडियम इन इथेनॉल, ये रिएक्शन यहां पे रहेगी, मेंडियस रिडक्शन इसको आप लर्न करेंगे। अगला रिएजेंट है आपके पास रिएजेंट नंबर 29 AgCN एल्कोहलिक। AgCN की बात करेंगे, AgCN का फंक्शन आप ऐसे याद करेंगे कि AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड है, आसानी से आयन में नहीं टूटता। KCN आयन में टूट जाता है तो हमारे पास साइनाइड मिलता है, ये आयन में नहीं टूटेगा तो यहां से अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से कनेक्ट होगा और फिर सिल्वर और हैलोजन बाहर जाएगा। अगर ये नाइट्रोजन से कनेक्ट होगा तो हमें आइसोसाइनाइड कार्बाइल अमीन मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज अलग से लिख लीजिएगा, अलग से याद रखिएगा कि पोटेशियम साइनाइड में मिलता है साइनाइड और यहां मिलता है हमारे पास आइसोसाइनाइड, दोनों के प्रोडक्ट अलग अलग हैं। अगर आपसे रीजन पूछें तो आप कहेंगे या एनी कंपाउंड है, कार्बन कार्बन में बॉन्ड आसानी से बनता है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, आसानी से बॉन्ड नहीं बनता, सिर्फ नाइट्रोजन से कनेक्ट होने का ही ऑप्शन यहां अवेलेबल है। तो आप इसके फंक्शन को डायरेक्टली ऐसे याद रख पाएंगे कि हैलोजन हटेगा और उसकी जगह पे आइसोसाइनाइड या कार्बाइल अमीन कनेक्ट होगा। अब इस आइसोसाइनाइड पे आपने मेंडियस रिडक्शन को दोबारा से कर लेना है। एक बार हम ऑलरेडी इस रिएजेंट को लिख चुके हैं, तो इसी को आपने यहीं पर इसके साथ साथ करना है कि अगर ये आइसोसाइनाइड है सोडियम इथेनॉल तो फंक्शन याद रखिएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से NHCH3 ग्रुप के अंदर। यानी अगर साइनाइड है तो सोडियम इथेनॉल प्राइमरी अमीन बनाता है, अगर आइसोसाइनाइड है सेकेंडरी अमीन फॉर्म होगा, ये दोनों के रिएक्शन में फर्क होगा। तो KCN AgCN मेंडियस रिडक्शन यहां से याद रखने की जरूरत है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेलो एल्किन हेलो एरिन्स का कि दोनों के प्रोडक्ट डिफरेंट क्यों है, पर अब आपके पास जवाब है। यही साथ के साथ दो रिएजेंट आपको और करने हैं, एक है आपके पास KONO पोटेशियम नाइट्राइड, हमारी बुक में ये KNO2 लिखा होता है जो कि थोड़ा सा गलत है, KONO करके लिखना चाहिए। इसका फंक्शन आप इस तरह से याद रखेंगे बिल्कुल पोटेशियम साइनाइड की तरह कि ये एक आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड होने की वजह से KX आसानी से बाहर चला जाएगा, ये ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा, अल्काइल नाइट्राइट हमारे पास फॉर्म होगा, अल्काइल नाइट्राइट यहां बनेगा। और सिमिलरली अगर AgONO है, जैसे यहां AgCN था वही चीज कोवेलेंट था, आयंस में नहीं टूटा, उसी तरह से अगर आप AgONO की रिएक्शन याद करेंगे, ये भी आयंस में नहीं टूटेगा, अल्काइल नाइट्रोजन से कनेक्ट होगा, फिर ये बाद में डिसोसिएट होगा, और इस तरीके से आपके पास दो डिफरेंट चीजें मिलेंगी। इस केस में अल्काइल नाइट्राइड और यहां नाइट्रोएल्केन, ये दो डिफरेंट चीजें हमें मिल रही हैं। तो मेनली हमारे पास चार रिएजेंट हुए, KCN AgCN KONO AgONO,
आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रहेंगे कि डिफरेंट प्रोडक्ट क्यों मिलते हैं केसीएन एजीसीएन में और केएनओ एजीओएनओ में, दोनों का रीजन सेम है, आइडेंटिकल है, और कन्वर्जन के लिए आपको डाइल्यूट एचसीएल, कंसेंट्रेटेड एचसीएल, इनके बारे में ध्यान रखना है। सोडियम इथेनॉल मेंडियस रिडक्शन, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए, ये रिएक्शन अच्छे से मालूम होने चाहिए। अब आपको मैं यहां एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं कि आपके पास टॉलीन है, आपने इस टॉलीन को कन्वर्ट करना है CH2COH के अंदर, यानी CH3 है CH2COH लगाना है, एक कार्बन बढ़ाना है। अब इन सारी रिएक्शन की हेल्प से आप सोचेंगे कि एक कार्बन कैसे इंक्रीज होगा, कैसे इसको आप बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपने सभी रिएजेंट्स को नोट्स कर लिया होगा और किस तरह से ऑर्गेनिक कन्वर्जन होंगे उसके बारे में जान गए होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में और रिएजेंट के साथ। ऑल द बेस्ट।